जुलाई में, क्योंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले, एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन गैस जो कि नायाब है। इम्पोर्टेड हुकूमत की एक और नाअहली, हुक्मरान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, सारी एलएनजी यूरोप ने खरीद ली, एलएनजी के जहाज नहीं मिले, जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने आवाम को एक और बुरी खबर सुना दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से खिताब करते हुए कहा कि आईएमएफ ने कड़ी शराइत रखी हैं, बहुत जल्द मुआयदा होने वाला है। बारह जमातों का इतिहाद कमज़ोर पड़ने लगा। मुत्तहदा के बाद बलूचिस्तान के अरकीन ने शिकवे करना शुरू कर दिए। कौमी असम्बली में असलम भूटानी बोले कि हम जरदारी की वजह से आए थे, कोई हमारी बात नहीं सुनता। खालिद मक्सी ने कहा हुकूमत तब्दीली का मकसद कुछ और था, कुछ और नज़र आ रहा है। हमारे आर्मी चीफ का कनाडा का दौरा शेड्यूल था। कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा गया कि हमारी अफवाज की वजह से इमरान खान इक्तदार से महरूम हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। ख्वाजा आसिफ को दिफा का वजीर लगाना खतरनाक है, इन्हें माहिर नफ्सियात से चेक कराना चाहिए। तिबी मुआयना मुकम्मल होने तक इनका कलमदान वापस लिया जाए। फवाद चौधरी का मशवरा, बोले इमरान खान पर तनकीद करना इनका हक है, लेकिन इनकी दिमागी हालत एक सदमे से बाहर नहीं आ सकती। इकसठ फीसद पाकिस्तानी इमरान खान को वज़ीर आज़म के मनसब से हटाने पर नाखुश। 75% अफराद मुल्क में फौरी इंतखाबात के ख्वाहिशमंद। फरुख हबीब ने गैलप सर्वे ट्वीट कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राज, इम्पोर्टेड हुकूमत इश्तहारी मुजरिम साफदार को पाकिस्तान लाने को तैयार। मिफ्ता इस्माइल की नाकामी के बाद मुल्की मईशत के साथ एक और तजुर्बा होगा। ज़राए के मुताबिक मफरूर मुलज़िम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार इसहाक़दार जुलाई के पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे। बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे, वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।